पुस्तक स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुरुषार्थ के फलस्वरूप अभीष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने के तथ्य से सभी अवगत हैं। व्यक्तिगत हो या सामूहिक, स्वार्थमूलक हो या पारमार्थिक, सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रबल पराक्रम के आधार पर संभव होती हैं। यशस्वी ऐतिहासिक स्तर के महामानव अनायास ही नहीं बन जाते, उन्हें अभीष्ट प्रयोजन के लिए अथक परिश्रम और एकाग्र मनोबल प्रयुक्त करना होता है। योगी और तपस्वी भी प्रकारांतर से शरीर मंत्र और मन तंत्र का ही उपयोग करते हैं। इन तथ्यों पर दृष्टिपात करने से व्यक्ति और समाज के मध्य अनेकानेक आदान प्रदान संभव करने का माध्यम शरीर ही प्रतीत होता है। शरीर का सही स्थिति में रहना स्थिति और प्रगति दोनों के लिए ही आवश्यक है। दुर्बलता की प्रतिक्रिया अवगति के रूप में ही सामने आती है। वस्तु स्थिति का गहन पर्यवेक्षण करने वाले महामनीषियों ने अपना निष्कर्ष घोषित करते हुए जीवन की प्रथम आवश्यकता निरोगी काया बताई है और कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल साधन शरीर है। शरीर अर्थात निरोग शरीर है। स्वास्थ्य रक्षा के अनेकों नियम उपनियम और साधन उपचार हैं। इन सब में आहार को प्राथमिकता दी जा सकती है। आहार में पुष्टाई न रहने से कुपोषण के शिकार असंख्यों बालक बेमौत मरते हैं और गर्भवतियां तथा प्रसूताओं की भी लगभग वैसी ही दुर्गति होती है। यूं पकाने का फूहड़ तरीका भी खाद्य पदार्थों के जीवन तत्व नष्ट करने में बहुत बड़ा कारण होता है। आवश्यकता से अधिक खाना, बिना पूरा चबाए जल्दी जल्दी निगलना, दिन भर मुंह चलाते रहना जैसे अन्य कारण भी हैं जिनका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। रहन सहन, ब्रह्मचर्य, श्रम, विश्राम, स्वच्छता जैसी व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य के बनाने बिगाड़ने का कारण होती हैं। यहाँ तक कि मनोस्थिति भी शरीर को संभालने गिराने में अपनी भूमिका प्रस्तुत करती है। यह सब बातें महत्वपूर्ण होते हुए भी ऐसी नहीं है जिन्हें हर किसी के जीवन क्रम में नितांत और नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया कहा जा सके। आहार ही वह प्रधान आहार है जो पेट के माध्यम से रक्त मास में परिवर्तित होता और प्रत्यक्ष शरीर बनता है। काया को अन्नमय कोश कहा गया है। अन्नमय कोश अर्थात खाद्य पदार्थों के फलस्वरूप बना हुआ यंत्र। आहार का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, इसलिए हर व्यक्ति स्वास्थ्य की बात सोचने पर तत्काल खाद्य व्यवस्था में सुधार करने की बात सोचता है। खाद्य पदार्थों के चयन में तरह तरह के व्यंजनों, पकवानों, मिष्ठान्नों, अचार, मुरब्बों को महत्ता दी जाती है। तले भुने मसालेदार, जायकेदार, रंग बिरंगे सुगंधित पदार्थ थाली की शोभा बढ़ाते और चटोरेपन का जायका दिलाते हैं। आज की आम पसंदगी यही है, इसे भ्रष्ट चयन कह सकते हैं। खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रस रक्त सुखा डालने और उसमें रहने वाले जीवन तत्व को आग पर जला देने और मसालों के सहारे अनावश्यक मात्रा में उदरस्त करते जाने का परिणाम पाचन तंत्र को नष्ट कर डालना और अपच की सड़न से पेट में विषाक्तता उत्पन्न करके शरीर को अनेक रोगों को घर बना देना ही हो सकता है। यदि स्वास्थ्य से सचमुच ही प्यार है तो चटोरेपन पर अंकुश करके उस आहार का चयन करना होगा जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में समर्थ है। ऐसे पदार्थों में फल शाकों की ही प्रथम गणना होती है। इन्हें अधिक मात्रा में उपजाया जाए, अधिक सस्ता बनाया जाए और लोगों की आदत में यह सम्मिलित किया जाए कि वे कम से कम आधा आहार शाक भाजी के रूप में लेकर पेट भरा करें। अन्न जिसमें दालें भी शामिल हैं मिलकर भोजन में आधी से अधिक जगह न घेरने पाए। इस व्यापक प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शाक उगाने वाले को ही नहीं खाने वाले को भी सस्ते पड़े। अपने देश की गरीबी को देखते हुए सस्तेपन की बात भी ध्यान में रखनी होगी। आहार में पोषक तत्वों की जितनी मात्रा आवश्यक है वे फलों के बाद शाकों में ही पाए जाते हैं। शाक फलों के छोटे भाई हैं। फल पेड़ों पर लगते हैं और शाक पौधों पर। फल अधिक स्वादिष्ट होते हैं, शाक कम। इनसे पोषण में भी थोड़ा अंतर तो रहता ही है, फिर भी स्थिति को देखते हुए शाकों को अन्न से बढ़िया और फल से घटिया मध्यवर्ती कह सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से शाक की पैदावार वजन की दृष्टि से 20 गुनी अधिक होती है या हो सकती है। अन्न जितनी जगह में एक क्विंटल पैदा होगा उतनी जगह में शाक
10 क्विंटल पैदा हो सकता है। अन्न की अपेक्षा शाक की फसल आने में समय भी कम लगता है। साल में प्रायः 3 फसलें मजे से मिल सकती हैं, जबकि अन्न की 1 या 1.5 फसल ही पैदा होती है। सुनियोजित ढंग से शाक का उत्पादन किया जाए तो आर्थिक दृष्टि से वह अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और अधिक भूमि में उगाने पर सस्ता पड़ेगा और बिकेगा भी। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता को आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। खाने वाले को सुपोषण की प्राप्ति होगी और उगाने वाला लोकहित की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करते हुए संतोष एवं श्रेय का भागी बनेगा। चूंकि प्रचलित ढर्रा विचित्र है, उसमें ना उगाने वाले को आकर्षण है और ना खाने वाले को, दोनों ही पक्ष उपेक्षा बरतते हैं। खाने वाले को महंगे मोल पर मिलने की शिकायत है, उगाने वाला जब देखता है कि स्थानीय खपत कम है, देर तक रखने पर खराब हो जाने का झंझट है, बेचने के लिए दूर भेजना एक मुसीबत है, तो फिर क्यों बेकार का सिरदर्द मोल लिया जाए? क्यों न पुराने ढर्रे के अनुसार अन्न आदि उगाने तक ही सीमित रहा जाए? उस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। हमें वातावरण ऐसा बनाना चाहिए ताकि दोनों ही पक्ष उत्साह प्राप्त करें और आर्थिक दृष्टि से नफे में भी रहें। दोनों ही पक्षों को समझाया जाना चाहिए और जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव करें, उन्हें आगे बढ़कर कदम बढ़ाने और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सहमत किया जाए। ऐसे उपभोक्ता तैयार हों जो शाक अधिक खाएं और खपत बढ़ाने में सहायता करें। ऐसे उत्पादक तैयार हों जो अन्न कम और शाक अधिक उगाएं और अधिक लाभ का लोभ छोड़कर उन्हें यथासंभव सस्ते मूल पर सर्वसाधारण को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार का नेतृत्व करने वाले अपने प्रयासों से वातावरण उत्पन्न करते हैं, चर्चा चलती है, नए प्रयोग पर जगह जगह पक्ष विपक्ष के वाद विवाद होते हैं, ध्यान केंद्रित होता है, परीक्षण की बात उठती है, फलता उपेक्षा दूर होती है और प्रयोग अनुभव का दौर चलता है। देर तक न बिगड़ने वाले और अधिक आमदनी देने वाली शाकों में आलू, शकरकंद, शलजम, रतालू, जिमीकंद आदि की गणना की जाती है, इसलिए उनकी ओर उत्पादकों का उत्साह अधिक रहता है। जबकि फल परक शाकों में पाई जाने वाली पोषण की प्रचुरता का महत्व समझते हुए उगाया उन्हीं को अधिक जाना चाहिए। हर शाक महंगे बिकते हैं, उसे खेत से मंडी तक ग्राहक तक पहुंचाने वाले का जो श्रम एवं लाभ सम्मिलित हो जाता है, वही इसके महंगे होने का मूल कारण है। प्रायः आधा उत्पादक को मिलता है, आधा वितरक को, उपभोक्ता को दूना देना पड़ता है। फल परक शाकों के ताजा और सस्ता मिलने के लिए सहकारी अथवा सेवाभावी तंत्र भी खड़ा करने की आवश्यकता है, जो उत्पादक को तुरंत पैसा देकर उसकी पूरी पैदावार उसी के यहाँ पहुंचाकर खरीद लिया करे, उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुरूप निकटतम स्थान पर पहुंचा दिया करें। उत्पादन, वितरण एवं उपयोग के तीनों ही क्षेत्रों में अधिक उत्साह उत्पन्न करने एवं सुव्यवस्था बना देने से मनुष्य जाति की एक महती सेवा का द्वार खुल सकता है। सुपाच्य, पोषक तत्वों से परिपूर्ण, ताजी, सस्ता शाक खाद्य सर्वसाधारण को उपलब्ध होने लगे और लोग उसकी उपयोगिता समझते हुए भोजन में अधिक स्थान देने लगे, तो निश्चय ही लोगों की दुर्बलता और रुग्णता में उतनी कमी सहजी हो जाएगी जितनी वर्तमान चिकित्सकों की पूरी दौड़ धूप करते रहने पर भी नहीं बन पाती। सात्विक आहार से सात्विक मन बनेगा और दुर्बुद्धि जन्य उपद्रवों पर सहजी अंकुश लगेगा। अन्न संकट राष्ट्रीय संकट है। देश में जनसंख्या की वृद्धि जिस क्रम से हुई है, उसी अनुपात से अन्न उत्पादन की व्यवस्था नहीं बन सकी है। फलतः बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके अन्यान्य देशों से अन्न खरीदना पड़ता है। उधार या अनुदान रूप में मिलना भी परावलंबन है और इसके बदले उपहासास्पद बनना पड़ता है और अनेक प्रकार के राजनीतिक दबाव सहने पड़ते हैं। फिर भी अनिश्चितता बनी रहती है कि न जाने कब मिले, कब ना मिले, कौन दे, कौन इनकार कर दे। स्वावलंबन में ही गौरव है। अन्न उत्पादन में यदि कठिनाई पड़ती है तो उस आवश्यकता की पूर्ति शाक को स्थानापन्न बनाकर सहजी हो सकती है। इस उत्पादन में हर दृष्टि से हित ही हित है। स्वास्थ्य संवर्धन, आर्थिक बचत, मानसिक सात्विकता, राष्ट्रीय स्वावलंबन, एक नए उद्योग का आरंभ होगा। सृजनात्मक प्रवृत्तियों में उत्साह उत्पन्न होगा। समय की आवश्यकता के अनुरूप समाधान खोजना जागरूकता का उत्साहवर्धक प्रमाण है। जहाँ इस प्रकार की चेतनाएं उभरती हैं, वहाँ अनायास ही उज्ज्वल भविष्य के अनेकानेक अभिनव आधार खड़े होते हैं। हमारी सूझबूझ और चेष्टा सामयिक समाधानों की
और गतिशील रहनी चाहिए। ढर्रे की घिसी पिटी प्रक्रिया को ही छाती से लगाए नहीं बैठे रहना चाहिए। पिछले दिनों दूध उत्पादन के लिए जहां तहां उत्साहवर्धक प्रयत्न हुए हैं, उसके लिए सहकारी समितियां बनी हैं और सरकारी एवं अर्ध सरकारी उद्योग तंत्र खड़े हुए हैं। बड़े नगरों में दूध की समस्या हल करने में इस प्रकार के प्रयत्न विशेष रूप से हुए हैं। पशुपालन के लिए सरकारी ऋण मिलने की व्यवस्था बनी है। आर्थिक दृष्टि से गौ पालन को महत्व देने वाले लोगों ने भी उस दिशा में कदम उठाए हैं। पिछली पीढ़ी में बूढ़ी गायों के प्राण कसाई से बचाने का दया धर्म ही गौशालाओं का कलेवर खड़ा किए हुए था। अब उस भाव संवेदना ने उपयोगिता, आवश्यकता और व्यवस्था को भी उसमें सम्मिलित किया है और गौ संवर्धन को गौ सेवा का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। इस परिष्कृत दृष्टिकोण ने गौ रक्षा के कुछ सुदृढ़ आधार खड़े किए हैं। अभी इस प्रयास को जन आंदोलन और उपयोगी व्यवसाय के रूप में सुविकसित होने की आवश्यकता है, तभी उसका लाभ जन जन को मिल सकेगा। दूध भी मानवीय आहार का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी कमी कितनी बुरी तरह पड़ती जा रही है, यह सर्वविदित है। इसी कमी का प्रभाव मात्र अर्थव्यवस्था भर तक सीमित नहीं है। राष्ट्र की वास्तविक समर्थता, जन स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। दूध का पोषण न मिलने से सार्वजनिक आरोग्य रक्षा का प्रश्न जटिल होता जा रहा है और बालकों को कुपोषण का शिकार होकर अंधकार में भविष्य में प्रवेश करना पड़ रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने और उसके उपयोग की क्षमता उत्पन्न करने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण के इन महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित आधारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति और वनस्पति उत्पादन के लिए हरित क्रांति की चर्चा होती रहती है। इन दोनों को क्रियात्मक रूप मिलना चाहिए, व्यापक बनाना चाहिए और उस प्रयास में जन जन को सम्मिलित होना चाहिए। इसके लिए ऐसा तंत्र खड़े होना चाहिए जो इन दोनों क्रांतियों को परस्पर पूरक बनाए और इनकी सफलता के लिए वातावरण बनाए। इन पंक्तियों में चर्चा विशेष रूप से शाक उत्पादन की हो रही थी। पशुपालन के लिए आर्थिक दृष्टि से और गौ संवर्धन के लिए भावनात्मक दृष्टि से कुछ तो होता भी रहता है, किंतु शाक उत्पादन प्रायः उससे भी महत्वपूर्ण होने पर भी जो सर्वथा उपेक्षित पड़ा है। आज तो इस संदर्भ में अधिक एवं विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण भी कम महत्वपूर्ण नहीं, पर उस संदर्भ में हर मनुष्य का कुछ कारगर कदम उठा सकना संभव नहीं। जिनके पास बड़ी भूमियां हैं, वे फल एवं लकड़ी देने वाले वृक्ष लगाने का प्रयत्न करें। इससे विश्व वसुधा की शोभा सुषमा में चार चांद लगते हैं। शाक उत्पादन को जन अभिमान का रूप देने से ही इतनी बड़ी समस्या सुलझेगी। आहार के संदर्भ में प्रचलित ढर्रा तभी सुधरेगा। इसके लिए घरेलू शाक वाटिकाएं उगाने का प्रतीक प्रयत्न व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए। प्रायः हर घर में थोड़ा सा आंगन होता है और खुली छत भी। इस पर पेटियों, टोकरियों, फूटे घड़ों, नादों और गमलों में शाक भाजी उगाई जा सकती है। यह अत्यंत सरल भी है और सुखद भी। आवश्यक जानकारी कृषिकर्ताओं से पूछी जा सकती है। ऋतुओं के अनुरूप बीज या पौध सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सकते हैं। सींचने, रखवाली करने में पशुपालन या बच्चे खिलाने जैसा आनंद आता है। घर की शोभा बढ़ती है। पौधे प्राणवायु देते हैं और आंखों में शांति। छत या बरामदे पर बेलें चढ़ाई जा सकती हैं और गमलों में रंग बिरंगे हंसते मुस्कुराते फूल घर में सुरुचि का वातावरण बनाए रह सकते हैं। आंगनबाड़ी अपने आप में एक सृजनात्मक अभियान है। छोटा होने से क्या, उसके पीछे सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन का वह अभ्यास सन्निहित है जिसके परिपक्व होने पर व्यक्ति का चिंतन चरित्र ही नहीं समूचा व्यक्तित्व ही निखर सकता है। अभ्यास के लिए छोटे उपकरण काम में आते हों तो भी हर्ज नहीं। विशिष्टताएं जब स्वभाव में जम जाती हैं तो अनेकानेक सफलताओं के रूप में अपना चमत्कार दिखाती हैं। घर में पौधे लगाना और उनको फलती फूलती स्थिति तक पहुंचाना एक ऐसा अभ्यास है जो छोटा होते हुए भी बड़े स्तर के सत्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। स्वभाव में सृजनात्मक प्रवृत्तियों का संवर्धन शाकों या फूलों के पौधों के सहारे चलता है तो उससे घर की शोभा, मुफ्त में कुछ उपयोगी पदार्थ पाने की बचत जैसे छोटे लाभों को भी कहीं बड़ी सुखद संभावना समझा जा सकता है। इसी प्रसंग में एक और बात ध्यान रखने योग्य एवं अधिक महत्व की है कि तुलसी के पौधे आंगन में लगाने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए।
इनमें धार्मिकता का भी समावेश है और सुरुचिपूर्ण सुसंस्कारिता का भी। आरोग्य की दृष्टि से उसकी अपनी उपयोगिता है। तुलसी से निकलने वाली तरंगों में मात्र ऑक्सीजन का ही नहीं वरन ऐसे तत्वों का भी समावेश है जो विषाणुओं का हनन एवं शरीरगत जीवाणुओं का पोषण करने की भूमिका निभाते हैं। सर्वविदित है कि तुलसी सर्वरोग निवारिणी घरेलू औषधि है, जिसे अनुपान भेद से प्रायः सभी रोगों पर बिना किसी जोखिम के आशंका किए प्रयोग किया जा सकता है। जरा जरा सी बात के लिए चिकित्सक का मुंह ताकने की अपेक्षा तुलसी का बिरवा आंगन में लगा लेना अधिक उपयुक्त है। स्वास्थ्य संरक्षण और भावना संवर्धन के दोनों ही प्रयोजन इस आरोपण से पूरे होते हैं। देव प्रतिमा की तरह तुलसी का खुला मंदिर खुले आकाश के नीचे बिना कुछ धन खर्च किए मात्र हाथों के परिश्रम से बन सकता है। पक्की ईंटों से भी बनाना हो तो उसकी लागत 100 रुपए से अधिक न आएगी। मध्य आंगन में यह स्थापना ग्रह सज्जा की दृष्टि से भी कलात्मक एवं आकर्षक लगेगी। देवताओं के साथ जुड़ी हुई कथा गाथाएं कई बार भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं, पर तुलसी शालिग्राम शिवलिंग जैसे प्रतीकों में वैसे असमंजस की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तुलसी की स्थापना हर दृष्टि से उपयोगी है। उसे हरित क्रांति की अग्रगामी ध्वजा की तरह भी घर घर में लगाया फहराया जा सकता है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत यूं सभी दुधारू पशुओं का परिपालन सम्मिलित है, पर हमें उसके प्रमुख पक्ष गौ संवर्धन को हाथ में लेना चाहिए और गौ दुग्ध की उत्पत्ति तथा खपत बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं सहकारी संगठनों द्वारा परिपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शाक उत्पादन को स्वास्थ्य संरक्षण और खाद्य समाधान और नए उद्योग का विस्तरण करने की दृष्टि से भी महत्व देना चाहिए। इसके लिए वनस्पति उत्पादन एवं कृषि के विशेषज्ञों से आवश्यक ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक एवं बड़े प्रयासों में बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, किंतु यह प्रयास वैसा प्रबंध होने तक रुके नहीं रहना चाहिए। घरेलू शाक वाटिका तुलसी आरोपण गौ दूध का उपयोग जैसे कुछ कदम ऐसे हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपनी निजी सीमा में स्वयं भी आरंभ कर सकता है। प्रस्तुत वर्षा ऋतु इन प्रयत्नों के शुभारंभ के लिए अधिक उपयुक्त मुहूर्त है। जिनसे जिस रूप में बन पड़े वे इस दिशा में छोटे या बड़े कदम उठाने का प्रयत्न करें। इस दिशा में उत्साह भरा सत प्रयास चल पड़े तो स्वास्थ्य संवर्धन में आशातीत सफलता मिलेगी। श्वेत क्रांति के लिए गोपालन एवं हरित क्रांति के लिए साग वाटिका का प्रचलन ऐसे दो सृजनात्मक कार्यक्रम हैं जो हर स्थान पर सफलतापूर्वक चल सकते हैं, जिनमें न तो पैसे की अधिक कठिनाई आड़े आ सकती है और न ही स्थान की। एक गाय को खरीदने के लिए कोई भी राशि अपने दैनिक खर्चों में कटौती कर एकत्रित कर सकता है। नगरों में भी छतवाड़ी आंगनवाड़ी के रूप में साग वाटिका आंदोलन को स्थान की कमी होते हुए भी सफल बनाया जा सकता है।